मॉर्निंग एवरीबडी, मोस्ट वेलकम इन दिस एसे रिसाइटेशन सेशन। टुडे वी हैव टू लर्न एन एसे अबाउट गॉडेस दुर्गा एंड द टाइटल ऑफ दिस एसे इज दुर्गा पूजा। लेट अस एंजॉय इट। द दुर्गा पूजा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दुर्गा पूजा भारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है। भारत का यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ आश्विन फ्रॉम द फर्स्ट टू द टेंथ डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट। यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से लेकर दसम दिन तक मनाया जाता है। इट इज एन ओकेजन ऑफ ग्रेट एंथुसिज्म एंड फेस्टिविटी फॉर द हिंदूज। हिंदुओं के लिए यह अति उत्साह और उत्सव का दिवस है। हिंदुओं के लिए यह काफ़ी उत्साह और उत्सव का दिन है। ऑन दिस ओकेजन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज आर क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग हॉलीडे। इस अवसर पर स्कूल, कॉलेज तथा ऑफिसेज एक लंबे अवधि के लिए बंद कर दिए जाते हैं, यानी छुट्टी दे दी जाती है। पीपल रिटर्न टू दियर होम्स फॉर सेलिब्रेटिंग द पूजा। और जो लोग घर से बाहर रहते हैं वे अपने घर वापस आते हैं पूजा में भाग लेने के लिए, अर्थात पूजा करने के लिए। द पूजा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days, but the image is installed on the 7th day। पूजा 10 दिनों तक की जाती है, लेकिन ये जो विग्रह हैं इनका, ये जो विग्रह हैं जिनकी विग्रह हम स्थापित करते हैं दुर्गा जी की, वो 7th दिन से इंस्टॉल किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं। During the last 3 days, the puja is celebrated with great pomp and gaiety। Last के जो 3 दिन होते हैं, सप्तमी, ये अष्टमी, नौमी, दसवीं, ये इन दिनों बहुत ही नियम पूर्वक, बहुत ही अनुशासन के साथ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ पूजा की जाती है। The images are of different designs and sizes। और जो इनके विग्रह होते हैं उन्हें कई आकृति में सजाए जाते हैं, वो कई आकृति के होते हैं। They are dressed in fine clothes and decked with beautiful ornaments। ये जो विग्रह होते हैं उसे काफ़ी सुंदर वस्त्र से सजाए जाते हैं और उसमें काफ़ी सुंदर, आकर्षक, मनमोहक जेवर भी सजाए जाते हैं। गॉडेस दुर्गा हैज 10 arms इन विच शी होल्ड्स वीपॉन्स। दुर्गा जी को 10 हाथें होती हैं जिनके प्रत्येक हाथ में विशिष्ट अस्त्र सुशोभित होते हैं। ड्यूरिंग द पूजा द पुअर आर फेड। और पूजा के दौरान गरीबों को खिलाए जाते हैं, आर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल। दान भी किए जाते हैं
जो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो गरीबों को दान भी करते हैं और वे प्रसाद वितरित करते हैं ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, वो माता के प्रसाद से मुक्त हो सकें, उन्हें जीवन में प्रकाश मिले, उन्हें जीवन में सदमार्ग मिले। द विजय दशमी इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे, और विजय दशमी एक बहुत ही पवित्र दिन और बहुत ही श्रद्धा का दिवस माना गया है। ऑन दिस डे पीपल विजिट दियर रिलेटिव, इस दिन लोग अपने अतिथियों के यहाँ भी, सगे संबंधियों के यहाँ भी जाया करते हैं। द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग क्लासेज बिगिन दियर न्यू ईयर फ्रॉम दिस डे, और जो व्यापारीगण होते हैं इस दिन से अपने व्यवसाय की नई शुरुआत करते हैं। एट सम प्लेसेज रामलीला इज स्ट्रीस्ट एंड रावणा इज किल्ड ऑन द दशमी डे, कुछ जगहों पर दशमी के दिन रामलीलाएं भी रची जाती हैं और रावण का वध दशमी के दिन किया जाता है। देयर आर वेरियस स्टोरीज, ये जो रावण की जो वध की जाती है ये असत्य के ऊपर सत्य के विजय की द्योतक है। देयर आर वेरियस स्टोरीज कनेक्टेड विद द विजयदशमी। विजयदशमी से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट राम किल रावणा ऑन दिस डे, इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी, उन्होंने उसका वध किया था। एंड परफॉर्म द पूजा ऑफ गॉडेस दुर्गा, और उन्होंने दुर्गा माता की आराधना की थी, पूजा की थी, साधना की थी। सिंस देन इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन दिस डे, और उसी दिन से ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। अनदर स्टोरी इज दैट वन किंग सूरथ परफॉर्म्ड द पूजा ऑन दिस डे, और एक दूसरी कहानी यह भी है कि राजा सूरथ ने इस दिन दुर्गा पूजा की थी, इसलिए भी उस दिन से दुर्गा पूजा किया जाता है। द थर्ड इज दैट, और तीसरी कहानी यह है कि गॉडेस दुर्गा किल्ड महिषासुर ए डेमॉन ऑन दिस डे। तीसरी कहानी यह है कि माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को इस दिन महिषासुर का वध किया था और मानव जाति को शांति और सुख प्रदान की थी। एट सम प्लेसेज, कुछ जगहों पर द दुर्गा पूजा इज परफॉर्म्ड ट्वाइस इन द ईयर, वर्ष में दो बार मनाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी जगह हैं भारत में जहां दुर्गा पूजा दो बार मनाए जाते हैं, इन आश्विन, एक बार आश्विन में, एंड इन चैत, और एक बार चैत मास में। द पूजा ऑफ आश्विन इज नोन एज शारदीय पूजा, और जो आश्विन में होता है उस पूजा का नाम है शारदीय पूजा। एंड दैट ऑफ चैत एज बसंती पूजा, और जो चैत में मनाया जाता है उस पूजा का नाम है बसंती पूजा। बट द बसंती पूजा इज़ नॉट वेरी कॉमन, लेकिन ये जो चैत में मनाया जाता है वो सामान्य नहीं है, कुछ विशेष जगहों पर ही कुछ विशेष लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इन द पूजा सेक्रीफाइस ऑफ गोट्स रैम्स एट्सेट्रा इज मेड, एंड दोज हु ईट मीट टेक दिस एज प्रसाद ऑफ दुर्गा, गॉडेस दुर्गा। कुछ जगहों पर खस्सी यानी बकरे और भेड़ की बलि भी चढ़ाई जाती है, और जो उनके भक्तगण होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो इस मांस को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। द पूजा इज़ हैप्पी टाइम फॉर ऑल, और यह पूजा सबों के लिए सुखद और आनंददायी होता है। पीपल पुट ऑन न्यू क्लोथ, इस दिन लोग नए नए वस्त्र धारण करते हैं। द जॉयज ऑफ चिल्ड्रेन नो बाउंड्स, बच्चों के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वे आनंदित रहते हैं। द ग्रोन अप पीपल ऑल्सो इन्जॉय मेरिली,
और जो बड़े वृद्ध लोग होते हैं वो भी काफ़ी आनंद लेते हैं, इस त्यौहार को काफ़ी आनंद पूर्वक मनाते हैं, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसी इस पर्व की खासियता है। हमें उम्मीद है कि आप इसे श्रवण कर इसके तत्व को आत्मसात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक।